नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चला था। पापा ने बाहर से कह दिया था ना आरती को सुनो लड़ाई कर देगा। नहीं करेगा भाभी, कार्तिक ना क्यों मेरे को मारेगा, फिर मार दे इसके पीछे ठोक दे और मार 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 दूसरा मार निकल को मार। चल चल चल। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं आज हम फिर से आ चुके हैं पावलगढ़ में, और जो हमारा मौसा जी का मकान हुआ करता था उन्होंने तोड़ के यहाँ पे देखिएगा नया मकान बनने जा रहा है। अभी ये देखो कार्तिक महाराज जी हमारा पहुँच चुके हैं ऊपर, ये हमको दिखाने के लिए लाए हैं, लेकिन ये अपना कहाँ से निकल के आ गए। देखो तो जी चलते हैं, अभी तो मैं पूरा दिखाऊँगी नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर ब्लॉग की स्टार्टिंग ना सुबह सुबह के 6:30 का टाइम है ये, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम चलते हैं सीधे अंदर, मतलब वहाँ अंदर जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। आग से क्या नहीं मत लड़ाई कर देगा। नहीं करेगा भाभी, मार दे इसके पीछे ठोक दे और मार 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 दूसरा मार निकल को मार। चल चल चल। बाय बाय। हाय मत करना, गुड मॉर्निंग मत करना, बाय बाय कैसे कर रहे। तो देखो हमने मसी ने अपने थोड़ी को कैसे ढका के रखा है ना, मत करो उसको। और ये लड़का क्या है यार, खतरनाक भरी खतरनाक। यहाँ देख उसकी मैया देख रही, देख उसकी माता देख रही, देख अभी आ रही हूँ। मेरे को तो ना मारा कहीं, मेरे को मत मारियो बेटा। सुबह से उठकर हमारे महाराज जी सेने लग गए हैं आग, साथ में आ गए छोटे महाराज जी, और ये बैठने के लिए बना रखा है पुआल का, देख सकते हैं आप। लेकिन हमें गिला है मुझे लिया हो, ये बैठने वाला रखा गिला बैठने गिला का मैं कहते लिया यहाँ पर जला दिया है। ये है अर्दला गाइस, अर्दला है गाइस, पानी है गाइस, पानी पानी है, अर्दला है। अच्छा, और ये है आठ इंच की, अभी तो बस कम हो गया क्या बैठा दे। घन घर गो दिव्या उठा को क्या कहो तेरी, इनका ब्लॉग बना रहे है।
आरती की है मैगी तो दूध होएगी तू दूध। हम बना रहे हैं सुबह सुबह क्रमाक्रम अदरक की चाय। आप देख सकते हैं गिलास में हम दूध निकाल चुके हैं, गिलास भी हम सेट कर चुके हैं, और यहाँ पर जो ये हैं बदमाश लोग अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। उठ गए हैं सर, तो उठ गए हैं, लेकिन ये नहीं, इसका मैं निकालूंगी कितना जय लगेगी देखना। हाँ ये देखिएगा, कौर से देखिए दिव्या को, आप बिल्कुल अपनी नज़रें हटाना मत, लेकिन इसने अपने आप को छोप दिया है भाई। तो अपना अपना बिस्तर जो है तय करके आना बाहर, और धूप आ चुकी है बाहर, सुन रहे हो अक्कू? हाँ हाँ, अक्को अच्छी लड़की है ना, जवाब उसका सही आता है। और ये है जो ये दो ये घुटने में बैठी है, ये देखिए थोड़ी अपनी मुंडी का छो की तरह मुंडी दिखा रही है, चप्पल में मैंने पहन लिया है। अब बैठ जाएंगे बाहर, क्योंकि धूप आ चुकी है बाहर, और हमारी भैंस भी कह रही कब अच्छी धूप आई और कब हम बाहर को जाएं। ये देखिए बदन चौट चौट है, चलो है? यस मम्मा, एक काम कर, मेरा हेलमेट और उसमें दस्ताने में ला दो। हेलमेट नहीं, क्या मत कर यार भाभी, एक तो तुम्हारा कहना मान रही हूँ, आपको क्या हो गया कह दिया तुमने, तुम्हारे घर को घूमवाया। मैंने क्या क्या कहा हो, मैं समझा रही थी तुम्हारे मन में तो चल रहा है ये, जब सुबह चाय बनाने के लिए लड़ाई होती है दादी ने कहा तुम ही बना दो चाय, मैं तभी समझ गई थी तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा है भाभी। कैसा कि पहले से तो नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चला था। पापा ने बाहर से कह दिया था ना आरती को सुन दो, तब 1% नहीं चला था सही में। तुम्हारे जैसी तो सुशील कन्या हो ही नहीं सकती कहीं। धन्यवाद भाभी तुम्हारा, दिन दे दो। दिन तो बहुत दूर है, दिल्ली रख के आए हैं, थोड़ा मैं लेके आते हैं जिम बार मांग ली तो मैं वहाँ के नल देख के आई ना, इसको देखो तो कितने बढ़िया करके सोए है, धूप का आनंद लेते हुए। हमारा कालू है, इसका नाम क्या होता है, क्या तुम इतने बर्तन धो पाओगी? जरूर धो पाएंगे। हैं